सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो ब्लॉग में कुछ अलग होने वाली है। सो आज की वीडियो में कन्नू और मैं मिलके पूरे दिन हम आज खाने वाले हैं मिनी फूड। तो देखा होगा ये बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे मिनी फूड चैलेंज, तो मैंने सोचा आज मैं भी कुछ अलग ट्राई करती हूँ। चैलेंज करने वाले हैं मिनी फूड चैलेंज। तो आज हम पूरे दिन खाने को डिच करके, खाने को नहीं बड़े खाने को डिच करके, घर में जैसे अगर बनाया पुलाव तो हम पुलाव नहीं खाएंगे, हम अपना कुछ अलग खाना बनाएंगे जो कि होगा इतना छोटा। और इतने छोटे छोटे खाने को खा के आज हम बनने वाले हैं अपना पूरे दिन पेट। सो देखते रहना मैंने क्या क्या बनाया, बहुत कुछ प्लान कर रखा है। कन्नू और मैं करेंगे चैलेंज एंड बनाऊंगी मैं, सो कुकिंग विल बी बाय मी ओनली। तो देखते रहो मैं क्या क्या बनाती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड। सो आज की हमारी फर्स्ट डिश होने वाली है बेसन के पूड़े, मिनी इतने इतने पूड़े बनाऊंगी आज मैं, छोटे छोटे। यूजुअली हम लोग प्लेट, जितनी प्लेट होती है उतना बनाते हैं, बट मैं आज बनाने वाली हूँ इतने से पूड़े। सो देखो कैसे बनाती हूँ, कितने क्यूट लगते हैं। सो मैंने ये बेसन का ले लिया है पैकेट और साथ में कप लिया है। सो अब बनाते हैं बैटर। बैटर के लिए आई एम गोना बी टेकिंग 2 से 3 स्पून्स ऑफ दिस बेसन। नाउ आई एम एडिंग सम ओरिगेनोस टू दिस, मोर ओरिगेनोस। अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, एंड टडा बैटर। मैं पहली चीज ले आई मिनी फूड चैलेंज की बना के, ये क्या है? छोटे पूड़े। ये क्या पूड़े हैं? बिल्कुल छोटे छोटे मिनी पूड़े हैं। चल अब खाएंगे हम इनको, और हमारा चैलेंज यही है कि हमें इनसे पेट भरना है। अपने इससे क्या पेट भरेगा? भर जाएगा। तो आज हम इसका ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। लंच में मैंने क्या सोच रखा है, लंच में मैंने अच्छी चीज सोच रखी है लंच के लिए, है समथिंग गुड फॉर अस, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा और जो देखने में भी अच्छी लगेगी और मेरी पसंद की भी है बहुत ज़्यादा। चलो यही खा के पेट भरेंगे आज हम। सो हमारे चैलेंज का फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म, जो कि ये बेसन के पूड़े बनाए थे मैंने, हमने खा लिए हैं और प्लेट हो गया ख़त्म। वो 1 बजे प्लेट हो गया ख़त्म, खा लिया हमने सारा। सो अब लंच में मैंने जो सोच रखा है हम वो बनाए, उसकी बनाने की तैयारी करेंगे और उसको खाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ, 1 मिनट। सो लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ मिनी ब्रेड पिज़्ज़ास, जिसके लिए मैंने ले लिया है ब्रेड। और मैं इस ब्रेड को स्क्वायर में कट करने वाली हूँ। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में होती है तो ऑलरेडी, तुम देखते रहना, चुप रहो। सो नेक्स्ट फूड इज दिस, दैट इज मिनी पिज़्ज़ास। इन छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाया मैंने, अब लंच में खाएंगे ये। ओह गॉड, आई एम सो क्रिएटिव। सो अब डालते हैं इनके ऊपर ओरिगैनोस, ओरिगैनोस एंड चिली फ्लेक्स। खाएंगे तो पूरी पिज़्ज़ा और इसी के साथ ही, बट छोटे। डाल दिया ओरिगैनो, अब इनके कुक होने का वेट करते हैं। सो मिनी पिज़्ज़ा हो चुके हैं तैयार, तो चलो इनको खाएं अब जाके, चलो चलते हैं। क्यों नहीं कुक्ड है? कुक्ड है, अरे वो दूसरा वाला था ना, स्लाइसेस दे दी। अरे चल, 2 तेरे 2 मेरे, यही लंच है हमारा। लंच लॉटरी क्या है इसमें? लॉटरी है, बस कन्नू और मेरा तो अपना नॉर्मल खाना खा। तो मैं तुम्हारी वीडियो शूट कर रही हूँ, दोनों भी कर देना। उन दोनों ने क्यों खाना, मतलब तुम क्यों नहीं खाती रहती इस वाली साथ में?
ऐसे ही मैं सोचा अकेले क्यों करूँ ना। अकेले लोग कमेंट करेंगे ना खाती रहती है जब जिंदे। वो तो अभी भी करेंगे। क्या बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा? मिनी पिज़्ज़ा। देखने में अच्छा नहीं लग रहा। स्वाद है ना इतना? कुछ नहीं बोला। बोल। क्या बोलना है? स्वाद है। हाँ स्वाद है। स्वाद है। बोल। तो देखने में सही लग रहा है छोटा था। मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे बनता था ये। बनता था। गार्लिक ब्रेड लग रही है। मैंने तो देखी थी इसको बना दे। मैंने सोया मुझे चाव देखी बस इतना ही खाने वाले हैं ये। इनको लगता है कि ये मोटे हो गए हैं इसलिए हमें अब कम खाना चाहिए, बट ये पतले होने के लिए भी ऐसी चीजें खाएंगे है ना। दिखा दिखा क्या कर दिया पेट भरने से? क्या इसे पेट भर गया मतलब? अब हम क्या कहते हैं शाम को और भी तैयारी करने वाले हैं ना। अभी वो तैयारी कर रही है खाने की तैयारी कर रही है और भी तरह की। अब क्या वो कहते हैं खाने की तैयारी कर रही है शाम की? मेरे को लग रही थी और भूख क्योंकि मेरा नहीं भरा था पेट। कन्नू तो पता नहीं अपना क्या लेने चले गया मैकडी से खाना। मैं रिया के साथ खा रही हूँ फ्राइज। तो मैंने बनाया मिनी फ्राइज। मेरे फ्राइज की साइज देखो वैसे तो वैसे ही लग रहे हैं। रुक जाना दिखाने थे मिनी नॉर्मल क्या लग रहे हैं। इतना मिनी साइज है इनका। कुछ मिनी है। बड़ा दिखा दे कौन सा है? नहीं है बड़ा मिनी है। इतना नहीं मिलता। इतने छोटे छोटे फ्राइज हैं ये देख। फ्राइज में नींबू। चुप कर। आलू चाट। कितना छोटा सा आलू चाट ये देख लो। फ्राइज का साइज कितना छोटा है। इन्हें मिनी फ्राइज ही बोलते हैं नॉट बिग फ्राइज। सो मिनी फ्राइज खा के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। कैसे तो सेम ही लगेंगे वैसे तो, पर चैलेंज के लिए मिनी है ना ये फ्राइज। फ्राइज का साइज देख लो मिनी है ना ये। दीज आर मिनी फ्राइज। आया कुछ मुंह में टेस्ट भी है ना मिनी? कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा मुंह में। मिनी फ्राइज इतने मिनी है इतने छोटे छोटे से। दीज आर मिनी फ्राइज। सो नेक्स्ट चीज हम खाने वाले हैं ये दैट इज मिनी बर्गर। ये हम शॉप से उठा के लाए हैं। शॉप पे मिला था ये। खोल के दिखाते हैं छोटा सा कैसा लगता है ये देखो। ये मिनी पिज़्ज़ा मिनी बर्गर छोटा सा। ये भी ये खा रही है। दिखाई दे तू क्यों कर रही है तुम तो कुछ और ही खाई जा रही है सुबह से। अब क्यों कर रही है ये चैलेंज? मैंने बोला कि मैं चैलेंज कर रही हूँ। तुम तीन लेकर आए तो एक मेरे। नहीं जी कन्नू दो मेरे लाया था और एक तेरे लाया था। एक अपने लिए आया नहीं। चलो मैं खाती हूँ। बड़ा अच्छा आ रहा है ये। टमाटर डाल दे बेटा। बोलो इतना च्यूवी सा आ रहा है। क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? दिस इज अ च्यूवी थिंग। च्यूवी थिंग चिंगम। दिस इज समथिंग वेरी च्यूवी। कितना सुंदर सा बर्गर है। नीचे ऊपर नीचे दो बन है बीच में टमाटर बीच में कैप्सिकम और बीच में चीज टिक्की आई बीच में तो बर्गर जितना हुआ है तेरा पूरे बर्गर से शक्ल नहीं दिख रही खाली तेरे बाल दिख रहे बीच में बर्गर दिख रहा। ओ मुझे याद आया अब मैं एक और मिनी चीज बनाऊंगी। अरे वो कब और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्च में तो ऐसा होता खाया नहीं जाता। हमारे मिनी फूड चैलेंज की नेक्स्ट आइटम बहुत ही ज्यादा क्यूट सी है। दिखी क्या दिख जाओ नहीं। हमारे मिनी फूड चैलेंज की नेक्स्ट आइटम बहुत क्यूट सी है जो कि है मेरे मिनी ग्लास में खोल रही। बहुत छोटा ग्लास है इसमें ऐसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ऐसे देखो तुम स्विच बोर्ड की साइज की है। बस एक स्विच की साइज की है ये ग्लास। बहुत छोटा सा ये ग्लास है बोर्ड का ग्लास है। आहा।
डिनर में मम्मी ने मेरे को बना के दिए हैं मिनी रोटी, जो कि है बहुत सारी, तो मिनी मिनी का कोई फायदा तो है नहीं, चार दे दिया मम्मी ने बना के, तो लंच तो डिनर तो उतना ही हो जाएगा। मेरा डिनर कन्नू और रिया ने बैक ऑफ कर दिया है, उनसे नहीं रहा जा रहा मिनी फूड खा के। क्या खा रहे हो? पुलाव खा रहे हैं ये तो डिनर में, जो कि मम्मा ने बनाए थे लंच में। पुलाव नहीं और क्या है, मटर वाले चावल इस पुलाव होंगे या उनमें आलू और बढ़ियाँ भी हैं। सो ये मेरे रोटियाँ मिनी मिनी तो क्यूट सी लग रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तेरे पास बेसन है तो बेसन का पराठा बना रहा है। एंड लाइक हाउ फास्ट यू आर थिंकिंग एंड दैट इज व्हाट यू नीड इन द किचन। हम लोग सबके पास 100 हो चुके हैं। दही साथ खा रही हूं मैं। सो हो गया आज का हमारा चैलेंज खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में न्यू चैलेंजेस सजेस्ट करो। आज कुछ न्यू बनने का ट्राई किया, आज ब्लॉग में आया, एक चैलेंज वीडियो आई है, तो कमेंट में बताओ कैसी लगी। बाय।